लॉकडाउन के दौरान धनबाद पुलिस प्रतिदिन हजारों लोगों के लिए कई थाना क्षेत्रों में निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करा रही है, जहां सामुदायिक रसोई के माध्यम से लोगों के बीच भोजन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए परोसकर खिलाया जा रहा है। भोजन वितरण में खगानों की कमी ना हो, इसे लेकर धनबाद के सराफा कारोबारियों एवं जिला चैम्बर से जुड़े पदाधिकारियों ने आज रेड क्रॉस कार्यालय परिसर में भारी मात्रा में खगान पहुंचाकर एसएसपी को सुपुर्द किया। आपको बता दें, पहुंचाए गए खगानों में चावल, आटा, आलू, मसाले और सरसों तेल शामिल है। लॉकडाउन की जो अवधि है उसमें काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनका कि आजीविका प्रभावित हुई है और उनको रोज़मर्रा के सामान की कमी ना हो, खासतौर पर खाद्यान्न की कमी ना हो, कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, उसको ध्यान में रखने के लिए प्रशासन ने बड़े सारे उपाय किए हैं। कम्युनिटी किचन चल रहे हैं, भात दाल केंद्र चल रहे हैं, प्रशासन अपने स्तर से भी सूखा राशन की व्यवस्था करवा रहा है, लेकिन जन सहयोग भी हम लोगों को इसमें काफ़ी मिल रहा है और चैम्बर की तरफ से भी अभी ये उपलब्ध कराया गया है। तो मुझे लगता है कि जब तक समाज का पूरे तरीके से एक सहयोग नहीं होगा, एक समावेशी प्रयास नहीं होगा, तब तक हम लोग पूरी तरीके से इसमें लड़ पाने में कहीं ना कहीं कमी रहेगी। लेकिन ये प्रयास लगातार चल रहा है और लोग बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं। मुझे लगता है कि समाज में ऐसे प्रयासों की ज़रूरत अभी आगे भी रहेगी। इसकी जिस तरह से जो है संख्या बढ़ रहा है झारखंड में जो अपने पाँव पसार रहा है, ऐसे में खास करके अभी जो देखा जा रहा है कि जो कई योजना के तहत पैसा आया है उसमें बैंकों में काफ़ी लंबा कतार लगा हुआ है सोशल डिस्टेंस मेंटेन में, उसके लिए कोई सरकारी? देखिए, हम लोग पर्याप्त रूप से कोशिश कर रहे हैं, लगातार बैंक्स को भी निर्देश दिए गए हैं, फोर्सेस भी जहां संभव है वहां डिप्लॉयमेंट किया गया है, पेट्रोलिंग पार्टीज को अलर्ट किया गया है। लेकिन मैं आप सबों के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि हर एक स्थान पर और हर एक जगह पर फोर्स या मजिस्ट्रेट की डिप्लेशन व्यवहारिक रूप से संभव है, इसलिए लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो अनावश्यक रूप से फिर हम लोगों को विधिक कार्रवाई करनी पड़ेगी और लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। सराफा एसोसिएशन जिला चैम्बर के नेतृत्व में राशन दिया है, उसके पहले भी ये लगातार सहयोग कर रहे हैं। जिले के तमाम 55 चैम्बर अपने अपने स्तर पर, अपने अपने स्थान पर गरीबों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, मुख्य रूप से राह में फंसे हुए राहगीरों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। खाद्यान्न योजना, चाहे वो रेडीमेड खाना हो, गुड़ चूड़ा हो, कहीं सत्तू का पैकेट है, कहीं अनाज का पैकेट, कहीं राशन का पैकेट है, वो प्रक्रिया आपको पूरे जिला चैम्बर की चली रही है तमाम चैम्बरों के साथ। आज आप लोगों ने क्या क्या दिया है? आज यहाँ पर जो है हम लोगों ने ठीक है शॉर्टकट हमारी देवी में काफ़ी खाद समय थे, आलू है, चावल है, दाल है, आटा है, अच्छी व्यवस्था की गई है और जिला और प्रशासन को भी ये आश्वस्त किया गया है, सोसाइटी को भी आश्वस्त किया गया है कि जब भी कोई जरूरत पड़ेगी व्यापारी